दोस्तों अगर आपको मार्वल की मूवीज पसंद है या फिर आप आयरन मैन, स्पाइडरमैन, थॉर जैसे कैरेक्टर्स के दीवाने हैं तो ये वीडियो आपको एकदम लास्ट तक देखनी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे गैजेट जो कि इन्हीं तरीके के सुपर हीरो से इंस्पायर्ड होंगे। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप किस तरीके के गैजेट्स और देखना चाहते हैं। नंबर 9, स्पाइडरमैन गियर एंड ब्लास्टर। दोस्तों स्पाइडरमैन मार्वल सीरीज का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बच्चों से लेकर बड़ों सभी को पसंद है, क्योंकि इसे हम एक लंबे अरसे से देखते आ रहे हैं और इनके कारनामे तो हम लोगों को काफी इंटरटेनिंग लगते ही हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चीज में थोड़ा सा और मजा ऐड करना चाहते हैं तो अपने बच्चों को दे सकते हैं इस तरीके के गियर्स को, क्योंकि आपको स्पाइडरमैन की और भी ज्यादा याद दिलाएंगे। दोस्तों ये एक ऐसा छोटा सा गियर होता है, हालांकि स्पाइडरमैन तो वेब निकालता था अपने हाथों से, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वेब की बजाय डॉट्स निकलती है जो कि काफी हद तक सेफ होती है और अच्छा खासा इंटरटेनमेंट भी आपको करा देंगी। इसके साथ आपको मैगजीन कॉटेज मिलती है जिसमें कि काफी सारे डॉट्स लगे रहेंगे और बच्चों को खेलने के लिए ये चीज बहुत ही इंटरटेनिंग होती है। तो ये गैजेट स्पाइडरमैन लवर को काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो कमेंट करके बताएगा कि आपको स्पाइडरमैन मूवी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। नंबर 8, आयरन मैन ऑक रिएक्टर। दोस्तों आयरन मैन मूवी के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि टोनी स्टार के जो हार्ट में आर्क रिएक्टर लगा होता है उसे जो है एक फ्रेम कराकर उसे गिफ्ट किया जाता है उसके बर्थडे पर। तो ये चीज उस मूवी में काफी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही थी, जिसे कि लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसी कोई सजाने वाली चीज अपने घर पर रखना चाहते हैं जो कि देखने में एक अट्रैक्टिव सी लगे, तो ये चीज आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। ये ठीक वैसा ही एक शोपीस रहता है जिसमें बीचों बीच एलईडी लाइट्स लगी होती है और ये चीज देखने में काफी अच्छी लगती है। कहीं न कहीं ये आयरन मैन लवर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, जिन्हें कि वो अपनी टेबल पर सजा कर रख सकती हैं। तो दोस्तों आयरन मैन मूवी तो मेरे को काफी पर्सनली पसंद है, तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। नंबर 7, आयरन मैन MK50 रोबोट। दोस्तों आयरन मैन का मार्क 50 जो प्रोटोटाइप रहता है उसे आपने मूवी में देखा होगा, जो उसका सूट रहता है वो हमेशा से लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगा है। तो अगर आप एक ऐसा ही गैजेट अपने घर पर देखना चाहते हैं तो इस छोटे से रोबोट को ले सकते हैं। दोस्तों ये एक छोटा सी कॉपी होता है उस मार्क 50 रोबोट की, जो कि ठीक वैसे ही एक्शन करेगा जैसा कि टोनी स्टार्क मूवी में करता रहा है, यानी कि हाथों का मूवमेंट कराना, उसके पीछे के विंग्स को खोलना, ये सब कुछ इस रोबोट में फीचर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही इसका जो हेलमेट होता है उसमें अंदर की तरफ एक छोटी सी डिस्प्ले लगी होती है और जैसे ही हेलमेट ओपन होगा तो आपको अंदर से टोनी स्टार्क का चेहरा दिखाई देगा। आप अगर चाहें तो यहाँ पर अपना भी चेहरा लगा सकते हैं और ये रोबोट एक तरीके से प्रोग्रामेबल रोबोट होता है, यानी कि इसके एक्शन वगैरह को आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। साथ ही ये इंटरेक्शन के लिए भी बेहद कमाल का रहेगा, जैसे कि ये आपके मन पसंदीदा शब्द बोल सकता है और काफी अच्छी खासी बातें भी कर लेगा। तो इस तरीके का रोबोट काफी ज्यादा पसंद आएगा आयरन मैन लवर्स को। नंबर 6, आयरन मैन मार्क 7 सूट पॉड मोड। दोस्तों आयरन मैन के चाहने वालों की आज भी कोई कमी नहीं है, ऐसे में अगर आप एक आयरन मैन के छोटे से प्रोटोटाइप को घर पर रखना चाहते हैं तो ये गैजेट आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। दोस्तों ये एक ऐसा गैजेट होता है जहां पर आपको आयरन मैन सूट के छोटे छोटे पार्ट्स दे रखे होते हैं, जिन्हें कि आपको अपने हिसाब से असेंबल करना होता है और आप इससे छोटी सी डिजाइन तैयार कर सकते हैं आयरन मैन की। तो दोस्तों यहां पर आपको छोटे छोटे ये पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप काफी सारी डिजाइंस वगैरह बना सकते हैं। बच्चों को इस तरीके का गैजेट बेहद पसंद आएगा, जिनसे कि कहीं ना कहीं उनमें क्रिएटिविटी तो आती ही है, साथ ही आयरन मैन से खेलने का उनको एक भी मिल जाता है। तो इस छोटे से गैजेट के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 5, ग्रेविटी जेट सूट। दोस्तों आपने मूवी में तो आयरन मैन को उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन इंडिविजुअली ऐसे उड़ना कोई आसान काम नहीं होता और ना ही अभी तक कोई ऐसे खास सूट बने हैं जो कि आयरन मैन की तरह आपको उड़ा सके। लेकिन हाँ, जेट पैक्स वगैरह की मदद से आप आसानी से उड़ सकते हैं। तो ये गैजेट भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां पर आपको एक ऐसा जेट पैक दे रखा होता है जो कि उड़ने में काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। हालांकि छोटी रेंज में और नॉर्मल ऐसे किसी इमरजेंसी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन किसी प्रोफेशनल उड़ान के लिए अभी ये उतना बेहतर नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी काफी बेहतर रहता है, जैसे कि नॉर्मल आदमी उड़ सकता है बिना किसी सपोर्ट के। तो इस गैजेट के लिए दोस्तों मैं यही कहूंगा कि हो सकता है अभी आपको ये देखने को कहीं ना मिले, लेकिन फ्यूचर में इस तरीके की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो जाएगी, जब लोग नॉर्मली पंछियों की तरह हवा में उड़ सकेंगे। नंबर 4, टेलो आयरन मैन एडिशन ड्रोन। दोस्तों टेलो ड्रोन के बारे में आपने हो सकता है पहले कभी सुना हो, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा बजट रेंज ड्रोन होता है जो कि शॉर्ट डिस्टेंस में आसानी से छोटी मोटी वीडियोस आपके लिए बना पाएगा। तो दोस्तों इसी का एक आयरन मैन एडिशन आता है जो कि आयरन मैन लवर के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। ये सारे इक्वल फीचर रखता है अपने नॉर्मल टेलो ड्रोन से, जहां पर आपको 720 पिक्सल में HD वीडियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही इसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा होता है और इसका फ्लाइट टाइम लगभग 13 मिनट का होता है। वहीं दोस्तों यहां पर कंट्रोल के लिए आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी डिजाइन जो कि इसे खास बनाती है वो भी काफी अट्रैक्टिव लगती है। तो अगर आप एक आयरन मैन लवर हैं और आप एक छोटा सा ड्रोन खरीदना चाहते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। नंबर 3, थॉर इलेक्ट्रॉनिक हैमर।
दोस्तों मार्वल सीरीज के अंदर थॉर का जो हैमर है वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। सभी लोग चाहते हैं कि उनके घर में एक ऐसा डेकोरेटिव गैजेट हो जो कि कुछ कुछ थॉर के हैमर जैसा लगता हो। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा ही प्लान है कुछ ऐसी चीज लेने का तो इस गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों इस हैमर की खास बात ये होती है कि इसमें अंदर की तरफ LED लाइट्स लगी होती हैं जो कि इसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। साथ ही इसकी डिटेल्स पर काफी ज्यादा वर्क किया गया है जिससे कि ये एकदम ओरिजिनल थॉर के हैमर जैसा ही लगता है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी उन लोगों को जो कि इस तरीके का शोपीस अपने घर पर रखना चाहते हैं। नंबर 2, डुअल लेजर आयरन मैन ग्लव्स। दोस्तों आयरन मैन मूवी में जो उसके हाथों में ग्लव्स होते हैं उनमें लेजर लाइट्स लगी रहती हैं जिससे कि वो फायर करता है। तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लगती थी देखने में, लेकिन अगर आप ऐसा ही कुछ चाहते हैं अपनी रियल लाइफ में तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के आयरन मैन वाले ग्लव्स को। ये एक तरीके के डुअल लेजर ग्लव्स होते हैं जिनमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों ही तरफ लेजर लगी होती है। ऊपर जो लेजर रहती है उसका इस्तेमाल आप पॉइंटिंग के लिए कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप गुब्बारे वगैरह पर लगाते हैं तो फौरन गुब्बारा फट जाता है, यानी कि लेजर में काफी हीट भी रहती है। वहीं दोस्तों जो हथेली वाला लेजर होता है उसका इस्तेमाल आप इंग्रेविंग के लिए कर सकते हैं। ये चीज भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगी जिससे कि आप इंग्रेव करके चीजों को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों आयरन मैन लवर्स के लिए इस तरीके का गैजेट बेहद बेहतरीन रहेगा जो कि एक शोपीस वाली चीज ना होकर एक इस्तेमाल करने वाली चीज है। नंबर 1, स्पाइडरमैन इंटरैक्टिव रोबोट। दोस्तों ये गैजेट बच्चों को और स्पाइडरमैन लवर्स दोनों को ही काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। ये एक तरीके का इंटरेक्टिव रोबोट होता है जिससे कि आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं या फिर गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। देखने में तो ये एकदम छोटे से टेडी बियर जैसा लगता है जो कि एक डेकोरेटिव गैजेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी का नमूना भी रहता है। जो इसकी आंखें रहती हैं वहां पर छोटी छोटी डिस्प्ले लगी होती है जिससे कि यहां पर आपको एक अलग ही लेवल की लाइटिंग दिखाई देगी और ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं इस छोटे से रोबोट को। वहीं दोस्तों यहां पर बीचों बीच एक छोटी सी बटन लगी रहती है जिसे कि आप प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन आंसर करने में, क्विजेस करने में और बहुत सारे छोटे मोटे गेम्स खेलने में ये बहुत ही ज्यादा मजेदार रहता है। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। साथ ही दोस्तों अगर आप इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर उनकी प्राइस वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।